मुलाकात हुई है पलटू राम और अनंत सिंह की, तो मैं तो नहीं उस पर चौंक रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सालों से कहता आया हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अभी लगभग एक महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को उस मामले में रिहा कर दिया सबूत के अभाव में। और जो मेरी सूचना है कि पलटू राम ने ही सरकारी वकीलों को आदेश दिया था और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि कोई भी सबूत पेश नहीं किया जाए हाईकोर्ट में। पूरी संभावना अब है कि अनंत सिंह को औपचारिक रूप से जदयू में शामिल किया जाएगा और 25 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अनंत सिंह मोकामा से जदयू का प्रत्याशी होगा, तो इसी की ज़मीन अभी तैयार की जा रही है। दोनों के बीच कुछ सब कुछ लगता है नॉर्मल नहीं है, और इसी बात की संभावना है कि अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी का टिकट कटवा के खुद उसकी जगह मोकामा का विधायक बनेगा। लिपि सिंह ने AK-47 बरामद किया तो अनंत सिंह ये कहते फिरता था कि ललन सिंह और लिपि सिंह लोगों ने मुझे षड्यंत्र करके फंसा दिया। और अब देखिए इस बार जो 24 के लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें तो बाकायदा अनंत सिंह को बेउर जेल से पैरोल पर निकाला गया 15 दिन के लिए, जिससे कि मुंगेर में ये ललन बाबू की मदद करे। यही नेताओं का चरित्र होता है ना, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है पूर्व विधायक और बाहुबली नेता आनंद सिंह की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जैसी उनकी नज़दीकियां बढ़ते जा रही है उसके बाद लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है 2025 का विधानसभा चुनाव जेडीयू के खाते से, जेडीयू के टिकट पर ही आनंद सिंह लड़ेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास से सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो नज़दीकियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मुलाकात हुई है पलटू राम और अनंत सिंह की, तो मैं तो नहीं उस पर चौंक रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सालों से कहता आया हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और अब ये मेरी बात धीरे धीरे पूरा बिहार मानने लगा है, लोगों को लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ और मेरी बातों की पुष्टि होने लगी। देखिए, दर्शकों को सारा बात मैं शुरू से बताता हूँ सारी बात। एक तो ये अनंत सिंह जो है ये 5 साल से पटना के बेउर जेल में बंद था और इसके पास 2019 में AK-47 बरामद हुआ था इसके पुश्तैनी घर लदमा गांव से, और उस मामले में इसको 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी निचली अदालत ने। इस वजह से इसकी विधायकी चली गई थी, ये मोकामा का विधायक था, इसकी विधायकी चली गई। उसके बाद इसकी पत्नी नीलम देवी वहाँ की विधायक बनी। अभी लगभग एक महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को उस मामले में रिहा कर दिया सबूत के अभाव में। और जो मेरी सूचना है कि पलटू राम ने ही सरकारी वकीलों को आदेश दिया था और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि कोई भी सबूत पेश नहीं किया जाए हाईकोर्ट में, तो जब सबूत ही पेश नहीं हुआ तो रिहाई हो गई। उसके बाद अनंत सिंह मुझ पड़ताव देते हुए बाहर आ गया। याद होगा दर्शकों को कि 5-6 रोज़ पहले ये मुख्यमंत्री आवास में गया था एक अणे मार्ग में, और वहाँ पलटू राम ने इसकी अगवानी की और फिर मुख्यमंत्री और अनंत सिंह के बीच बंद कमरे में गुफ्तगू हुई। और परसों ऐसा हुआ कि खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे गाड़ियों के काफिला के साथ, और जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह उनको साथ लेके पहुंच गए अनंत सिंह के पास, और रास्ते में गाड़ी मिल गए, अनंत सिंह के दर्शन हो गए तो मुख्यमंत्री कार से भी उतर गए। तो संक्षेप में यह है कि मुख्यमंत्री ने अपनी पद की गरिमा को बिल्कुल तार तार कर दिया है। मतलब पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है, जिस तरह प्रदेश का मुख्यमंत्री एक माफिया डॉन का पिछलग्गू बन के घूम रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो रही है। लेकिन पलटू राम को कोई परवाह नहीं है, उनको लगता है कि अनंत सिंह के बहाने ये भूमिहार वोट बैंक में उनकी संधमारी हो जाएगी। और पूरी संभावना अब है कि अनंत सिंह को औपचारिक रूप से जदयू में शामिल किया जाएगा और 25 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अनंत सिंह मोकामा से जदयू का प्रत्याशी होगा, तो इसी की ज़मीन अभी तैयार की जा रही है। लेकिन जो हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कायदे से यदि हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया था तो बिहार सरकार को उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन पलटू राम का रंग ढंग देख के नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील होने वाली है, तो माफिया का इसी तरह मनोबल बढ़ता है बिहार में। जी सर, एक सवाल ये भी है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पहले RJD में थी, फिर उन्होंने पाला बदल के वो JDU में शामिल हो चुकी है, और उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में ये तक कह दिया था कि वो जनता से मिलती नहीं है, हम जनता से मिलते हैं, हम काम करेंगे। हाँ, देखिए सब कुछ तो लग रहा है अनंत सिंह और उसकी पत्नी के बीच तो ठीक लगता नहीं है, क्योंकि जब वो गया था इसमें मुख्यमंत्री आवास में भी मिलने तो 4-5 लफुआ किस्म के लोग इसके साथ थे, लेकिन नीलम देवी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। उस पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। फिर जो अभी पलटू राम गए मिलने तो वहाँ भी लगता है नीलम देवी उपस्थित नहीं थी,
तो ये तो है कि दोनों के बीच कुछ सब कुछ लगता है नॉर्मल नहीं है, और इसी बात की संभावना है कि अनंत सिंह अपनी पत्नी नीलम देवी का टिकट कटवा के खुद उसकी जगह मोकामा का विधायक बनेगा। जी, ललन सिंह के साथ भी काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी है। ये वही ललन सिंह है जिनके ऊपर अनंत सिंह ने कहा था कि उन्होंने मुझे फंसाया था, और आज उन्हीं के आवास में जाके मुलाकात हो रही है, बातें हो रही हैं। यही नेताओं का चरित्र होता है ना, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलते। देखिए 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मुंगेर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस की प्रत्याशी थी ललन सिंह के खिलाफ, तो उस समय दोनों में 36 का रिश्ता हो गया था। उसके बाद जब लिपि सिंह ने AK-47 बरामद किया तो अनंत सिंह ये कहते फिरता था कि ललन सिंह और लिपि सिंह लोगों ने मुझे षड्यंत्र करके फंसा दिया। और अब देखिए इस बार जो 24 के लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें तो बाकायदा अनंत सिंह को बेउर जेल से पैरोल पर निकाला गया 15 दिन के लिए, जिससे कि मुंगेर में ये ललन बाबू की मदद करे। और ये जेल से बाहर आते हुए अनंत सिंह ने कहा कि 5 लाख वोट से जीतेंगे ललन बाबू। और पलटू राम ने ये वजह बताई कि अनंत सिंह को पुस्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है, इसलिए पैरोल दिया गया है। जबकि मैंने उस समय भी कहा कि यदि पैरोल पर छूटना ही है तो इसके लिए 4 जून तक रुका जा सकता था, मतगणना की तारीख तक रुका जा सकता था। लेकिन ये तो बिहार में खुलेआम मतलब आप माफिया का कहिए नंगा नाच हो रहा है, और बहुत बेशर्मी के साथ हो रहा है। जी, तो सीधे तौर पे देखिए जिस तरीके से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और विधानसभा चुनाव भी करीब है, कहीं ना कहीं ये कयासों का बाज़ार गर्म हो चुका है कि नीलम देवी का ही टिकट काट के अनंत सिंह जो है चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।